आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे हीट एक्सचेंजर के ऊपर कि हीट एक्सचेंजर क्या है। हीट एक्सचेंजर वह डिवाइस है जो हीट के ट्रांसफर या हीट में एक्सचेंज, मतलब जो कोल्ड पोर्शन है वो हीट को ऑब्जर्व करता है और जो हॉट पोर्शन है वो हीट को गिव करता है, वो किसी इक्विपमेंट के थ्रू ही होता है। तो उसी के क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे कि हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो पहले हम लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में हीट एक्सचेंजर क्या है, जो आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कराता है, वो हमारा हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट है। ठीक है, और हीट एक्सचेंजर क्या है कि हीट को एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर। जैसे सपोज कि कोई ये आपने एक वेसल ले लिया, ठीक है, इसके अंदर एक ट्यूब, ठीक है ना, ठीक है, इसमें हॉट पोर्शन है जो यहां से वेसल ले लीजिए या शेल ले लीजिए, वैसे तो शेल कहते हैं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको जो एग्जैक्टली होता है। तो यहाँ से जैसे आपने कोल्ड फ्लूड एंटर किया या फील्ड मान लीजिए आपके बंद है, यहाँ से आपने हॉट फ्लूड एंटर किया और यहाँ से आपका कोल्ड फ्लूड आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको हॉट फ्लूड मिलेगा, ये आपका कोल्ड फ्लूड हो गया। ठीक है ना, क्या हुआ, हॉट फ्लूड आपने जब एंटर किया तो ये यहां से गया इस पाइप के थ्रू, ठीक, ये इस पोर्शन पे, ये जो सरफेस मिल रही है पाइप, इस पोर्शन पे ये कोल्ड फ्लूड ने इससे एनर्जी ली, वो एनर्जी लेके ऊपर चले गया और ये आपका बाहर निकल आया। तो इसने एनर्जी दी, ये कोल्ड हो गया और ये कोल्ड वाला जो था हॉट हो गया। अब ये इसके विषय में आगे हम डिस्कस करेंगे कि कितनी एनर्जी ली गई और लिमिटेड एनर्जी हमें अगर ट्रांसफर कर रही है तो वो कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे यूज होगा उसके विषय में। पहले जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, किन किन बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया। तो क्लासिफिकेशन इसका दो बेसिस पे दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हीट और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कि जब हम इसकी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो इसमें क्या आ जाता है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेटेंट हीट, हम जानते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसे हिंदी में, और दूसरा है सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट यानी वह इक्विपमेंट जिसमें एनर्जी के द्वारा किसी भी फ्लूइड का फेस चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसकी लेटेंट हीट देख के या लेके, दोनों ही केस में फेस चेंज होता है, वह लेटेंट हीट कहलाती है। और ये कौन सी हीट एक्सचेंजर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट, लेटेंट हीट में कौन से आते हैं आपके हीट एक्सचेंजर, द कंडेंसर, रिबॉयलर, इटीज। ठीक है, अब आ जाती है सेंसिबल हीट की बात। सेंसिबल हीट में क्या होता है, कोई फेस चेंज नहीं होता है, मतलब अगर वो गैस फॉर्म में अगर जा रहा है तो गैस फॉर्म में ही रहेगा, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, बस उससे दूसरे फ्रूट का टेम्परेचर दे दिया जाता है, बस टेम्परेचर कम होता है। सपोज कि कोई फ्रूट 300 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, ठीक है, और उससे हमने एनर्जी ले ली कुछ 50 डिग्री सेल्सियस, तो वो आगे हमें 250 या 230 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं इसे एक फिगर पर बता दूं आपको कि ये मैंने डबल पाइप हीट एक्सचेंजर बना रहा हूँ,
ठीक है ना, और यहाँ से मैंने एंटर किया, यहाँ से निकाला, ये क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 पे एंट्री दी, यहाँ पे मुझे 230 पे मिल गया ये डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे जो कोल्ड की मैंने एंट्री की थी वो हमारा किस टेम्परेचर पे था, मान लीजिए 25 पे था, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कुछ 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हुआ और यहाँ पे इतनी लॉस करके यहाँ पे हमें मिल गई। तो ये क्या हुआ, सेंसिबल हीट, कोई फेज चेंज नहीं हुआ, वही लिक्विड रहा और सेंसिबल हीट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं आपको, हो गया डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है, फिर आता है शेल ट्यूब, ये वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, ये भी होता है, ये लिमिटेड एनर्जी ट्रांसफर के लिए होता है ईडीसी, इसके विषय में बाद में डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या आ जाते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मतलब क्या, कोई भी फ्लूड अगर ठंडा हो रहा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, जस्ट लाइक अ कूलिंग टावर, ठीक है ना, ऊपर से आपका पानी गिर रहा है, इधर से हमारा एक फ्लूइड के तौर पे एयर जा रही है, वो उसके कांटेक्ट में आ रही है, एयर हीट को लेके ऊपर निकल जाती है और वाटर के ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाते हैं ठंडा होके, तो वो हो गया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप, ठीक है ना, कूलिंग टावर टाइप। ये होता है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप में क्या होता है, वह सारे फ्लू मतलब वह इक्विपमेंट जो एक वॉल सेपरेट रखी जाती है, जिसमें जिसके एक साइड हॉट फ्लूड और दूसरी साइड कोल्ड फ्लूड होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर कहलाता है, ठीक है। कौन सा हीट एक्सचेंजर की कैसी वर्किंग है और टेम्परेचर इसमें कितना जा रहा है, इसके विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो